टोटल एडवेंचर कैंप वाले के ऊपर कितनी शांति है भाई, टूरिस्ट लगता है आते ही नहीं है अभी। हाँ भाई, इसलिए ये लोग इतना पीछे पड़ गए। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसलिए पीछे पड़े हुए। हाँ कोई नहीं मिलता किसी को भी। कैफे भाई पहले कुछ खा ले, तो बाहर जाने का। ये देख अच्छी जगह है, कैफे है भाई, हॉस्टेज है ना, अच्छा कैफे था। हाँ मतलब देख लिया ना ध्यान में, बस अभी चल आ गए। राजस्थानी कुछ ट्राई करते हैं, तो सामान वामान रखे खुला मुंह धोए फिर खाने। होटल में खाने के लिए आने वाले हैं नाश्ते के लिए, चलिए। ठीक ही है, वो भी सही था। डोंट गेट एक्साइटेड। क्या बोलता है? ओके पीछे वाला रूम लेने का, ये वाला नहीं लेना। ये अपनी होटल है और ये रूम है, यहाँ पे तीन लोगों का रूम है डिलक्स। देखिए कैसा टेस्ट है? अच्छा सही है, सही है, बढ़िया टेस्ट। इतना कम बोला जाए सही रहा। अपने फ्रेश होने के बाद फिर से निकले हैं फोर्ट देखने के लिए जैसलमेर का। यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि इसी फोर्ट में मतलब लोग रहते हैं। इंडिया में एक ऐसा फोर्ट है जिसमें लोग रहते हैं, क्लीवेबल फोर्ट है। हेलो अंदर जाना। अभी भाई अभी हम ऊपर फोर्ट पे घूम रहे थे तो यहाँ पे एक कैफे मिला है। अभी कैफे में बहुत गर्मी हो रही है, कैफे में बैठे हैं, कॉफी चल रही है। अभी कैसा लग रहा है भाई? एक और बना दे एक और बना दो। बढ़िया बनाई यार आपने। कैसा चल रहा है? और मेरे में पता है थोड़ी सी शक्कर डाल दोगे? थोड़ी सी हल्की सी, थोड़ी सी शक्कर और मिक्स कर देना। एक से कैसा है? एक डालना, आधा डालना। आइस कॉफी, आइस कॉफी। कम से मैं भी अभी ऑर्डर की, बढ़िया दूसरे के लिए। हम पैदल घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लेक जा रहे हैं, लेक जा रहे हैं, मंदार लेक नहीं, अमर लेक। अमर लेक हाँ, हम पैदल जा रहे हैं, गाड़ी वहीं पे होटल में पार्क की हुई है। हाँ जी भैया, कम से कम गाड़ी सागर लेक है। तो अब भी हम आए हैं यहाँ पे, थोड़ा बैठे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं।
होटल से नाइट का व्यू है जैसलमेर फोर्ट का। ये सिटी फ्यूल अभी गाड़ी में वही चल रहा है जो बड़ोदरा में डलाया था, 3700 रुपये में टैंक फुल कराया था। एक्चुअली अभी सेकेंड डे पे कोई भी गाड़ी यूज नहीं हुई है तो फ्यूल वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। वो हम थर्ड डे पे आपको बताते हैं कि हमें लोंगेवाला जाने के लिए कब फिल कराना पड़ेगा और कितना आगे चल जाएगा, तब एक्चुअली मैं थर्ड डे पे आपको एवरेज निकाल के बताऊंगा गाड़ी ने कैसा एवरेज दिया है। हम बहुत ज़्यादा थक गए थे एक्चुअली, पूरी रात ड्राइविंग की थी इधर से और सो भी नहीं पाए थे, आराम नहीं किया था और सुबह तक। तो फिर सेकेंड डे हम ज़्यादा थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर किया और गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चली थी। तो जितना 700 किलोमीटर जितनी ड्राइव हुई थी उतनी ही ड्राइव थी और हम होटल से डायरेक्ट होटल की गाड़ी में इधर उधर घूम रहे थे। नेक्स्ट डे मत मिस करना क्योंकि थर्ड डे जो है वो अपना बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम लोंगेवाला जाने वाले हैं और सबसे मेन डेजर्ट सफारी के लिए जाने वाले हैं, तो वो मिस मत करना। और मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, तब तक के लिए जय हिंद।